What's up, lovely people? This is Joel. Welcome back to the channel, everyone. I hope you're doing absolutely fine. So, दोस्तों आज मैं आपको दिखाने आया हूँ Royal Enfield motorcycles पे जो silencers लगते हैं. I am at Swagman, जो manufacturers हैं silencer बनाते हैं. ठीक है, I am at their office. So, अभी आपको चलता हूँ दिखाता हूँ उनके silencers कैसे हैं, क्या है उनकी variety. Alright, and before I go, so please subscribe to my channel JD Vlogs Delhi and press the red button and then the bell icon so that you get the notifications of my videos. And also do follow me on Instagram and Facebook, and the ID will be JD Vlogs Delhi. Alright, so guys, चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसी variety है भाई के पास. मेरे पीछे सम्राट भाई की मोटरसाइकिल है, स्वैगमैन वालों की मोटरसाइकिल है रॉयल इनफील्ड. अभी आपको दिखाता हूँ कैसी है, क्या मॉडिफिकेशंस उन्होंने करी हैं. एंड मैंने सुना था उनके बाइक के ऊपर भी उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा साइलेंसर लगाया हुआ है. ऑलराइट, सब दिखाता हूँ अभी आपको. काफ़ी साफ़ सुथरी है. ओके, सो सबसे अच्छी चीज़ जो है ये साइलेंसर है इनका. अभी भाजी से पूछूंगा ये कौन सा है. ये देखिए पूरा मस्त डबल बैरल टाइप ऐसा है, बहुत मस्त साइलेंसर लगा. दूर से दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है ये. गाड़ी भी अच्छी पूरी तरह से मॉडिफाई कराई हुई है. चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं स्वैगमैन के ऑफिस में, और ये है इनका ऑफिस स्वैगमैन का. चलिए मिलते हैं अंदर भाई के से. दोस्तों मेरे साथ हैं अब स्वैगमैन से सम्राट भाई. हेलो जोयल पाजी, की हाल है? बढ़िया पाजी, कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया. और तो सम्राट भाई, मैं आज आपके पास आया हूँ जो आपके एग्जॉस्ट हैं स्वैगमैन ब्रांड के. ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स हैं जेडी ब्लॉग्स दिल्ली के, आप उनको दिखा सकते हैं पूरी रेंज, कैसे कैसे मॉडल्स हैं, क्या क्या रेंज है आपकी एग्जॉस्ट की. डेफिनेटली पाजी, डेफिनेटली मेरे पास 38 मॉडल्स हैं. करंटली मेरे पास 38 हैं जो मैंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिए हैं. ओके, तो मैं उसमें से आपको सिलेक्टिव दिखाता हूँ जो हमारी ऑडियंस को टारगेटेड करके है. ओके, जो बेस्ट से बेस्ट जो चलते हैं, जो बिल्कुल लोग यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में. डेफिनेटली हाँ, जरूर दिखाइए कैसी कैसी रेंज है, क्या क्या कलर्स हैं उसके, क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है. ठीक है जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ क्या कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं. जैसे हमारे पास आपको क्रोम फुल ब्लैक, क्रोम एंड ब्लैक, ब्लैक एंड क्रोम, गोल्डन एडिशन जो कि हमारा प्योर ब्रास है. तो मैं आपको सारे दिखाता हूँ वन बाय वन. ओके, सिलेक्टिव मॉडल्स उसमें से आपको मैं दिखाता हूँ जो हमारे फास्ट मूविंग हैं इस वक्त करंटली. ऑलराइट, चलो दिखाइए. बिल्कुल पाजी. पाजी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इंदौरी बॉटल. ओके, इंदौरी अक्का शॉर्ट बॉटल. ओके, मैं खड़ा ही हो जाता हूँ क्योंकि ठीक है पाजी, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ. वो दिखेगा नहीं इसी तरीके से. ये है पाजी हमारा इंदौरी शॉर्ट बॉटल. ओके, ऑलराइट, इसमें आपकी ब्रांडिंग भी नजर आ रही है. ओके, सो दिस इज कंप्लीट क्रोम. यस, दिस इज कंप्लीट क्रोम. इसमें एक वर्जन ब्लैक भी है. ओके, और दूसरा इसमें यह है कि लाइक आपने इंदौरी तो कॉमनली मार्केट में देखा होगा, ऑलमोस्ट हर शॉप पे मिलता है इंदौरी, मगर इसमें और उनमें डिफरेंस ये है कि इसमें तीन बैफल्स हैं. ओके, इसमें प्रॉपर तीन बैफल्स हैं. सेकंड थिंग, जो हमने क्रोम प्लेटिंग दी है, कस्टमर्स 1.5-2 लाख की बाइक तो ले लेते हैं, मगर उसमें क्या है जब टाइम आता है परचेज करने का तो इंदौरी इतना ऑप्शन है मार्केट में, जनरली हम भी हों कन्फ्यूज हो जाते हैं यार 1000 रुपए का भी मिल रहा है, 1500 का भी मिल रहा है, 2000 रुपए का. जो हमने क्रोम प्लेटिंग दी है वो आप चेक कर सकते हो, हमारी ओरिजिनल कंपनी जो क्रोम देती है उससे भी बेटर है क्रोम. ओके, कि आप जब लगा रहे हो एक एसेसरी आइटम तो उसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग तो हो, वो चले तो सही, ये ना हो कि 10 दिन बाद या महीने बाद रस्ट आ गया. बाकी इसमें कलर ऑप्शन आपको सारे मिल जाएंगे, ब्लैक भी मिल जाएगा. एक हमने इसमें कलर निकाला है आजकल गन मेटल और सिल्वर के लिए, एंटीक कलर. ओके, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, मैं आपको बीच में किसी मॉडल में वो दिखाऊंगा. इस पाजी मैं आपको दिखाता हूँ डॉल्फिन, जो फास्ट मूविंग है डॉल्फिन. ओके, ऑलराइट, ये पाजी हमारा डॉल्फिन है, स्वैगमैन डॉल्फिन. ओके, एनग्रेव्ड है इधर. ओके, इसकी खासियत मैं बता देता हूँ. इसमें जो हम बोल्ट्स यूज कर रहे हैं ये SS के बोल्ट्स हैं. ओके, ये MS नहीं है, ये प्योर SS है. Okay. क्योंकि जनरली सबसे पहले रस्ट ना यहाँ पे आता है सराउंडिंग्स में. ओके, इसलिए हमने ये बोल्ट SS के शुरू किया कि यहाँ पे रस्ट आना स्टार्ट ही ना हो. सेकंड थिंग, हमने ये थिक एंड बनाया और इसके अंदर परफोरेटेड ट्यूब है. ओके, साइडों में सिरामिक वूल है. Okay. जिससे आपको प्रॉपर प्योर बैस मिले. डिफरेंस क्या है स्वैगमैन में और दूसरों में, ये है कि हमारे इसमें अगर आप 20-30 का थ्रॉटल करते हैं तो आपकी साउंड हार्शनेस में कन्वर्ट नहीं होती. ओके, साउंड रिमेन्स सेम, बेसी सॉफ्ट टू ईयर्स. सेकेंड थिंग,
हमने सेम इसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। आप क्रोम देख सकते हो पूरा, नहीं मैं वो देख रहा हूँ, क्रोम बिल्कुल शाइन मार रहा है। बट एक और चीज है, कई बार कस्टमर्स की वो होती है, क्वेश्चन आ जाता है भाई इसकी क्रोम की गारंटी वारंटी कैसे होती है। हाँ जी, मैं वो क्वेश्चन आता है मेरे को भी, उसमें गारंटी वारंटी का बता देता हूँ मैं। हम क्लियर क्लेम करते हैं कि हम सबसे बेस्टेस्ट क्रोम देते हैं, सेकंड थिंग, इनफैक्ट आपकी ओरिजिनल बाइक से भी बेटर क्रोम है। अब बात आ जाती है रस्ट की, रस्ट की गेम ना सारी कस्टमर पे डिपेंड करती है भाजी। अब वो कितना उसका ध्यान कर रहा है, कितनी केयर कर रहा है। जनरली रस्ट यहाँ आता है तो हमने अपने एंड पे तो ये एसएस का दे दिया, बाकी कस्टमर के ऊपर है कि वो इसको कितना क्लीन रखता है। Exactly. जितना वो क्लीन रखेगा मैं कहता हूँ सालों साल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली रस्ट की। क्योंकि वो क्लीन कर रहा है, कोई डस्ट नहीं, कोई वाटर क्लॉगिंग नहीं, कुछ नहीं, तो वो उसको रस्ट की फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अपनी तरफ से हमने क्रोम में कोई कमी नहीं छोड़ी। बंदा लैब टेस्ट भी करा सकता है कि ओरिजिनल से बेटर है कि नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है कि साइलेंसर चेंज करो तो चलान हो रहा है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन हमने निकाला है रेप्लिका। ओके, इस मॉडल का नाम रखा है रेप्लिका। ऑलराइट, ये तो जिसको बोलो कि पूरा का पूरा ओरिजिनल जो कंपनी की तरफ से रॉयल एनफील्ड का एग्जॉस्ट आता है, राइट, ये वो वैसा ही लग रहा है। हाँ, मगर ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, लगभग वैसा है, लगभग वैसा है। ओके, ये देखो। हाँ, ये है कि इसमें क्रोम हमने कंपनी से बेटर दिया। ये दिख रहा है इसकी पूरी की पूरी स्वैगमैन ब्रांडिंग, एंड ये पूरा का पूरा एक शाइनी पीस। ये दिखने में तो काफी भारी जैसा लग रहा है। जैसे ओरिजिनल है उतना इक्विवेलेंट वेट रखा है कि कस्टमर को क्या है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्वालिटी में। हाँ, मतलब उसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि ठीक है मार्केट से हम 2 रुपए महंगे जरूर हैं, मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्वालिटी में। कस्टमर को अगर क्लिक करता है तो वो ले। ओके, क्योंकि आपके माइलेज, आपके इंजन के साथ उसका हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। इसके अंदर भी पूरी परफोरेटेड ट्यूब है यहाँ से लेके यहाँ तक। सराउंडिंग्स में सिरामिक वूल है। ओके, इनफैक्ट इसमें ये है कि जो आप ओरिजिनल प्लेट है वो ओरिजिनल प्लेट यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, जो सेंसर पे ओरिजिनल लग कर आती है वो यहाँ पे लग जाएगी वापस। ओके, और यहाँ पे हमने चैनल फिटिंग दी है जिसकी वजह से किसी भी बाइक पे आप फिट कर सकते हो। मैं आपको फिटिंग दिखाता हूँ, हमारे हर साइलेंसर में फिटिंग बॉक्स में साथ फ्री रहती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हम प्रॉपर मतलब कस्टमर ओरिएंटेड है कि अगर वो नी मैकेनिक पे जा सकता है वो घर बैठे भी अपना चेंज कर सकता है। ओके, तो आपका कहने का है कि जो आप फिटिंग्स दे रहे हो, राइट, वो आपकी स्टैंडर्ड फिटमेंट बॉक्स के बीच में आती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, सिंगल नट बोल्ट भी इसके अंदर आपको आएंगे। ओके, मगर हम देखते हैं कि यूजुअली जो कंपनी है एग्जॉस्ट देती है सिर्फ साइलेंसर ही देती है, ये चीज नहीं, नहीं, स्टैंडर्ड डब्बे के बीच में नहीं आती। पाजी, ये डिफरेंस है क्वालिटी का, कस्टमर ओरिएंटेशन का। ओके, कस्टमर को हैसल नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई चीज उनको दी है तो सिंपल वो बॉक्स खोले, प्लग एंड प्ले, आपको ये क्लैंप्स वगैरह सब साथ मिलेंगे, इवन छोटे नट बोल्ट्स भी साथ में मिलेंगे। ओके, सो ये बीच में डब्बे के बीच में बॉक्स के बीच में बॉक्स के अंदर फिटमेंट आएगी, सब कुछ रहेगा। अगर BS4 है तो BS4 का बुश डालेंगे। अगर किसी की, जैसे आजकल गाड़ियां सारी BS4 ही आ रही हैं, तो उनका प्रॉपर बुश उनको मिलेगा। और प्रॉपर हमने पूरी केयर करी है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट भी हमारा पूरा पहुंचे। आप थर्माकोल देख सकते हैं, थर्माकोल की क्वालिटी कैसी है, मैं वो देख रहा हूं। क्योंकि उस पर डेंट ना लगे, कस्टमर सिंपल खोले और अपना प्लग कर ले। अगर वो थोड़ा बहुत भी जानता है, वैसे बुलेट वाले ज्यादातर सारे जानते हैं कि कैसे खोलना है, क्या करना है, वो घर पे उनको 5 से 7 मिनट लगेंगे। पाजी, ये इंदौरी है, सेम जो आपको इंदौरी दिखाया था पहले क्रोम में, ये ब्लैक में है। ओके, ये इसलिए ऊपर हमने गार्ड लगाया, हीट प्लेट लगाई है कि जनरली मतलब जूता वूता खराब ना हो। ओके, बाकी सेम इंदौरी है, ये ब्लैक मैट फिनिशिंग में, और जो हमारा ब्लैक है वो लेदर टच में है। आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, ब्लैक लेदर में है। ऑलराइट, ये देख रहे हैं, दूर नजदीक से दिखा रहा हूं कि पूरी की पूरी मस्त फिनिशिंग हुई हुई है, बहुत अच्छा है। पाजी, मैं अब आपको दिखाता हूं हॉट सेलिंग नियो। ओके, इसकी लुक्स है मस्कुलिन। ऑलराइट, ये तो देखने में ही माशाल्लाह बढ़िया सा, जिसको बोलो हैवी लग रहा है। थैंक यू जी। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले लो, क्रोम ब्लैक, ब्लैक क्रोम, फुल ब्लैक, गोल्डन ब्लैक, क्रोम ब्लैक, कॉम्बिनेशन कोई भी ले लो, तो इसमें ये कॉम्बिनेशन है ब्लैक। ये स्टेल्थ ब्लैक वाले ज्यादा लेते हैं। ओके, कि ब्लैक है और फिर लास्ट पोर्शन थोड़ा सा क्रोम हाईलाइटेड कर देते हैं। गेम इसमें भी वही है, परफोरेटेड ट्यूब है यहाँ से और फिर सिरामिक वूल। ओके, इसको भी पूरा इसलिए नजर में रख के बनाया कि आपकी माइलेज कम ना हो, आपका पिकअप बढ़े और इंजन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। सेकेंड थिंग, एक चीज और बताना चाहूंगा, आप हमारी ये कोटिंग देख सकते हो, ये नॉर्मल कोई पेंट नहीं है। जैसे मार्केट में मिल रहे हैं पेंट वाले, ये पेंट नहीं है, ये पाउडर कोटिंग है ब्लैक टेक्सचर में। ओके, मैं वही देख रहा था, ये पूरी पूरी कोटिंग अच्छी क्वालिटी की लग रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो आजकल कोबरा कोबरा कर रहे हैं सारे, कोबरा मॉडल भी दिखा देता हूँ। ओके,
ये पाजी कोबरा। ओह वाओ। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कई यूजर्स ने फेस भी की होगी, ये बैक साइड में ना हमने ये इम्प्रेशन दिया हुआ है, ये डेंट है कि ये बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है। Okay. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट है। डेंट होता तो यहाँ से क्रोम चिप्स ऑफ करके निकलता। ओके। तो ये डेंट नहीं है, ये हमने बाय डिफॉल्ट इम्प्रेशन दिया है। Okay. ये इसलिए दिया है, अभी जो मार्केट में गन मेटल ग्रे आ रहा है उसमें रेयर डिस्क ब्रेक भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और स्टेल्थ ब्लैक उसमें भी शायद रेयर डिस्क ब्रेक है। Exactly. उसमें क्या है, जो एक्सल नट उनका बाहर है उसमें जो स्विंग आर्म दिया उन्होंने, थंडरबर्ड वाला स्विंग आर्म दिया उसमें एक्सल नट बाहर है, वो यहाँ पे आके टच करता है। Exactly. ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो टच करने से साइलेंसर खराब करता है। तो हमारी कोशिश हमेशा स्टार्टिंग से रहती है, कोई नई चीज आई है उस पर आरएनडी पहले ही कर लो। क्योंकि हम साइलेंसर ना, ये नहीं है कि ये शेप पसंद आई बना दिया, वो शेप समझ आई बना दिया, ऐसा नहीं है। बनाने के बाद उसको पहले मैं 15-20 डेज अपने फ्रेंड सर्कल में सबको दे देता हूँ, एक एक पीस इसको चलाओ, जितना ज्यादा इसको रगड़ सकते हो रगड़ो। उसमें क्या, फिर वो हमें बताते हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये आ रही है, ये नीचे इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, इसमें साउंड ऐसा है, इसमें ये चेंजेस करो। तो वो सारे चेंजेस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट 15-20 दिन बाद आता है। तो आपकी पूरी इंजीनियरिंग टीम पूरी रिसर्च करके प्रोडक्ट का और आप फीडबैक लेके फिर फाइनल टचेस देते हो। ऑब्वियसली पाजी, इसी वजह से आज स्वैगमैन थोड़ा सा जो नोन है वो इसी वजह से है कि हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में रखा हुआ है कि आपकी माइलेज कम ना हो, सेटिस्फेक्शन आपको पूरी रहे। तो उसके लिए हमें आरएनडी करना जरूरी है। और इसके अंदर भी पूरी ग्लास वूल, सिरामिक वूल ग्लास वूल और सिरामिक वूल में डिफरेंस है वो 600 डिग्री और 1200 डिग्री। बाकी आप गूगल कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो तो वही चीज पूछना पड़ता है, सिरामिक वूल का लिए कि ग्लास वूल, और यूजुअली स्वैगमैन में सिर्फ सेरेमिक वूल यूज होता है। पाजी मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा और मेरे को अच्छा भी लगेगा, वी आर द पायनियर्स फॉर यूजिंग सिरामिक वूल इन इंडिया। वाओ। तो सबसे पहले हमने ही शुरू किया इसको, सिरामिक वूल को। बाकी इसमें कलर कॉम्बिनेशंस आपको सारे मिल जाएंगे। Okay. ये मैंने एक वैसे दिखाया आपको क्रोम पे ब्लैक। ऑलराइट पाजी, अब मैं आपको दिखाता हूँ बजूका। ओके। फीचर्स वही है, सिरामिक वूल, परफोरेटेड ट्यूब, मगर ये कॉम्बिनेशन एक अलग है। साउथ इंडियंस को ज्यादा लाइक करते हैं। ये प्योर ब्रास है। Okay. ये कोई पॉलिश नहीं है, प्योर ब्रास है। Okay. जितना इसको आप साफ करेंगे उतना क्लीन होता जाएगा। Okay, so आप इसके अंदर ब्रासो लगा सकते हो? ब्रासो लगा सकते हो, मगर जब ये ब्राउन हो तो। Okay. और ब्राउन होने में ये इट टेक्स टाइम, क्योंकि ये प्योर ब्रास है और इसके ऊपर एक कोटिंग हुई है, केमिकल कोटिंग, जिससे कि ये जेन्युइन अपनी लस्ट बरकरार रखे। और जो इधर ब्लैक वाला पोर्शन है ये वही आपका ब्लैक पाउडर कोटिंग। इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा भाजी, कि ये एक ब्लैक पे है, एक हमारे पास कॉम्बिनेशन ये भी है क्रोम पे। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले लो। ओके, आपके मन में कोई कलर आए तो आप वो भी बता सकते हो। ऑलराइट, ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये मेगाफोन है, ये मेगाफोन है। ओके, राइट, ये मेगाफोन है। इसकी भी आवाज बहुत, इसकी कंटिन्यूस बेस आती है। हाँ, एग्जैक्टली। एक इसमें ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, एक ये शार्क है। ओके, ये भी हमने ब्रास में बनाया है। ओके, सो ये भी ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड गोल्डन और व्हाइट एंड गोल्डन, सब व्हाइट एंड गोल्डन। हाँ, राइट। जैसे आप बोल रहे थे काफी कलर मिलते हैं, सब कलर्स अवेलेबल होते हैं? कलर सारे अवेलेबल होते हैं। समटाइम्स अगर नहीं भी है तो एक दिन का, अपनी फैक्ट्री है, हमने किसी से लेके नहीं देना। वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओन स्टफ एंड वी आर हैविंग 38 मॉडल्स। पाजी अब मैं आपको दिखाता हूँ डबल एक्सएल, एक धमाकेदार चीज। ओके। ओ वाओ। कलर कॉम्बिनेशन इसमें सारे मिल जाएंगे। मतलब ये फुल ब्लैक मिलेगा या फुल क्रोम या फिर फुल एंटीक। ओके, सो ये डबल बैरल टाइप जैसा है क्या? नहीं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। हाँ, मगर है धमाके वाली आइटम। है धमाके वाली आइटम। ओके, इसे इसमें ना दोनों, इसके दोनों पाइप्स काम करते हैं। ओके, ये नहीं कि सिर्फ ये करता है। ओके, अच्छा, कुछ लोगों में मिथ है कि डबल से आवाज डबल हो जाएगी। आवाज डबल नहीं होगी, आवाज तो उतनी ही आनी है जितनी आपकी बैंड पाइप से आनी है। Exactly. वो सेग्रीगेट हो जाएगी दो पोर्शंस में। Exactly. इसकी जो बेस है ग्रम्बलिंग बेस है। साइलेंसर के साथ जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स है वो मिलेंगी आपकी? फिटिंग तो आपको हर साइलेंसर के साथ मिलेगी। इसके अंदर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें ना ये हाफ इंच की, जो हाफ इंच ये नीचे आ रहा है, ये बैंड पाइप से स्ट्रेट आया, ये हाफ इंच नीचे आएगा, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हाफ इंच कम रहेगा। Okay. मैं पहले क्लियर कर दूं, जो ऑफ रोडिंग करते हैं तो उनको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये माइट भी नीचे से टच कर सकता है। ओके, क्योंकि व्यूअर के साथ जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना बेटर है। ऑलराइट, ये बहुत अच्छा है भैया। सो सम्राट भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं जेडी व्लॉग्स दिल्ली के, हाँ जी, आप उनके लिए क्या ऑफर कर सकते हैं, बेस्ट और डील्स जो है? भाजी ऑफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप इतना नोन फेस हैं,
मैं एक चीज ये कर सकता हूँ कि लाइक जो कोई आपके सब्सक्राइबर है वो एक काम करें, हमको व्हाट्सएप पे सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें. ओके. वो स्क्रीनशॉट हमको अगर सेंड करते हैं तो हम उनको एक्स्ट्रा 11% देंगे. ओके, सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर जेडी व्लॉग्स दिल्ली. ऑब्वियसली के सम्राट भाई ने सीधे अपफ्रंटली 11% डिस्काउंट देने का प्रॉमिस कर दिया है. डेफिनेटली. और जो उन्होंने बोला है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट. ओके, बाकी डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है सारी. एंड सो सम्राट भाई, आप मेरे को एक दो क्वेश्चन जो है मेरे, वो आप मेरे को बता दीजिए. आप पेमेंट मोड कैसा होता है आपका? अगर आप ये दिल्ली करोलबाग में हमारा ऑफिस है, अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आप सारे ऑप्शंस ले सकते हैं, कैश, ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, तेज, भीम, यूपीआई, पेटीएम, ये जितने भी वॉलेट्स हैं, ट्रांसफर ऑनलाइन, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं. ओके, एंड व्हाट अबाउट इफ समबडी ऑर्डर्स, अगर कोई भाई लोग आउट ऑफ दिल्ली से ऑर्डर करता है तो क्या है? हाँ बिल्कुल, हमें दिल्ली से बाहर से ऑफर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं. उसमें भी यही है, सेम ऑप्शन, हम उनसे व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर लेते हैं, वो जिस मोड में भी कंफर्टेबल हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर में कंफर्टेबल हैं या वॉलेट में कंफर्टेबल हैं, तो हम डिटेल उनके साथ शेयर कर लेते हैं. मेक श्योर के आपके चैनल से अगर आए हैं तो हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेजें सब्सक्राइब करने के बाद, तो हम उसको 11% डिस्काउंट एक्स्ट्रा देंगे. ओके, और कुरियर चार्जेस इंक्लूसिव होते हैं कि एक्सक्लूडिंग होते हैं? नहीं पाजी, कुरियर चार्ज वो एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नोएडा से या गुड़गांव से ऑर्डर देने वाले हैं या वो कन्याकुमारी से ऑर्डर देने वाले हैं. हर प्लेस का कुरियर चार्ज अलग रहता है, तो चार्जेस तो सेपरेट हैं, वो उनका पिन कोड या जब वो अपना एड्रेस देंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा, दैट इज सेपरेट. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच. और दूसरा सम्राट भाई, मेरे को अपनी डिटेल्स, कोई कार्ड है दिखाने के लिए? मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ ताकि लोगों को नंबर वगैरह पता चले कैसा ये है. पाजी हमारा कार्ड है. ओके, ऑलराइट, बैक में पूरा प्रॉपर. ऑलराइट, सो दोस्तों आप ये देख सकते हो स्वैगमैन सम्राट भाई का कार्ड है, कहाँ पे इनका एड्रेस है, पूरा पूरा करोलबाग में एड्रेस दिख रहा है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, बाकी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो सम्राट भाई, जैसे कोई कस्टमर कहता है कि मेरे को साइलेंसर की साउंड सुननी, के आपकी साइलेंसर की आवाज़ कैसी, वो कैसे देख सकता है, सुन सकता है? पाजी इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा, एक तो हमारा चैनल है स्वैगमैन एग्जॉस्ट के नाम से, उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे साइलेंसर्स की एक फ्लाई बाय वीडियो बनाई हुई है कि एक पोजीशन से अगर बाइक निकलती है तो उसका साउंड कैसे, और जब वो घूम के आ रही होती है तो वो कैसा साउंड करेगा. ओके, टू एंड फ्रो मोशन में. ओके, सो उसकी डिटेल मेरे को मिल जाएगी, मैं वो डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको वो अपना लिंक शेयर कर लूंगा. सेकंड थिंग, हम हमेशा ये कहते हैं और मैं व्यूअर्स को ये भी बोलूंगा, आप साइलेंसर फाइनलाइज करने से पहले एक बार क्वेरी हमको डाल देना कि आपको साउंड कैसा चाहिए, तो मैं प्रॉबली अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको सजेस्ट करूं कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये साइलेंसर्स आपकी कैटेगरी में फॉल करते हैं. ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो जो मैंने आज स्वैगमैन साइलेंसर्स पे बनाया है, मेरे साथ सम्राट भाई हैं, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड द आईडी इज जेडी व्लॉग्स दिल्ली. और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन में. God bless you all. Keep loving and supporting me. Take care. Bye-bye.